नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो को हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 डिवाइस के बारे में। प्रोजेक्ट 404 का जो 5.0 का जो वर्जन है एंड्रॉइड 12.1 के साथ अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस रॉम का जो रिव्यू है प्लस इस रॉम को रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बात करने वाले है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो रॉम है तो एंड्रॉइड 12.1 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड्रॉइड 12 का जो इंस्टॉल है ऐड किया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट 404 का जो बिल्ड है 5.0 है। 5th मार्च का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है 4.4 नेक्सस कर्नल को यूज किया गया है। तो ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है। यहाँ पर ये जो बिल्ड है इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट जो है यहाँ पर सिपनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे सर के जो एप्लीकेशन रहेगा बाई डिफॉल्ट काम करेगा। तो यहाँ पर विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट जो सिपनेट है बाई डिफॉल्ट पास हो जाएगा। यहाँ पर शामी पार्ट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सिंपली सेटिंग्स में जाके सिस्टम में जाके यहाँ पर जो शामी पार्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर हेडफोन गेन माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है। एमआई का जो साउंड इनहाइजर इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग हेडफोन टाइप का भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग जो प्रीसेट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर एमआई का जो साउंड इनहाइजर है अवेलेबल है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है डिवाइस सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। स्पीकर के ऊपर जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है डिवाइस सेटिंग्स के ऊपर। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है। आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। 6 to 7 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। यहाँ पर साउंड के ऊपर जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। टच वाइब्रेशन, टच साउंड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर स्किन लॉक साउंड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है प्लस यहाँ पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम करेगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर अलाउ फेस अनलॉक ऑन लॉक स्क्रीन, स्किप लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जब भी आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है नाइट लाइट का जो ऑप्शन है भी काम कर जाएगा। इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर नाइट लाइट काम करता है, यहाँ पर जो डार्क मोड है ये भी काम करेगा। एंड यहाँ पर ऑटो रोटेशन के ऊपर जो फेस का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है, पर आइकॉन मैनेजर का ऑप्शन है। प्लस डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली डबल टैप करके आपका जो फोन जो है ऑन कर सकते हो। यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, तो यहाँ पर जो है थीम आइकॉन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ऐप ग्रिड के ऊपर इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। वॉलपेपर कलर प्लस बेसिक कलर का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के ऊपर जो है इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। साउंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। वाइब्रेशन हैप्टिक के ऊपर जो रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है। लाइव कैप्शन का ऑप्शन है। प्लस ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं फेस अनलॉक के बारे में, तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो फेस अनलॉक का ऑप्शन है फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एज बिल्ड है इनक्रिप्टेड बिल्ड है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है बहुत ही फास्ट, हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है। तो सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा बहुत ही फास्ट, हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। अगर बात करें पर फेस अनलॉक के बारे में,
तो यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है फेस अनलॉक भी काम करते हैं। फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। एंड प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है। प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सिस्टम के ऊपर, इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पिक्सल 6 प्रो की तरह जो है पिक्सल 6 प्रो की तरह जो लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। गेस्चर्स के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, जो ऑप्शन है इसे क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है पार्ट बटन को डबल प्रेस करके कैमरा फिर इसको ओपन कर सकते हो। तो सिंपली पार्ट बटन को डबल प्रेस करके कैमरा को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस सिस्टम नेविगेशन के ऊपर 2 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, पर 3 बटन नेविगेशन प्लस यहाँ पर गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12.1 के साथ जो है 100 मोड भी अवेलेबल है। सिंपली ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके 100 मोड को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन 100 मोड का जो शॉर्टकट है इसे भी ऐड किया गया है। ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, आप सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन को यहाँ पर जो होल्ड करके असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, सिंपली आप जो है गेस्चर्स के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है वॉल्यूम कीज को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है गाना को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो डबल टैप करके नोटिफिकेशन और टाइम को चेक कर सकते हो। रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ इस ऑप्शन को अगर आप यूज करोगे आपको थोड़ा सा ज्यादा बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो है बाय डिफॉल्ट ये जो ऑप्शन से बंद रहता है, आपको अलग से एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो यहाँ पर पावर बटन के साथ जो फ्लैश लाइट है उसे एनेबल कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो है फोन को सबसे पहले जो क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करना होगा, उसके बाद यहाँ पर फोन को लॉक करके यहाँ पर जो है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। ये जो ऑप्शन से काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है, इसे भी ऐड किया गया है। तो काफी बढ़िया ऑप्शन, तो यहाँ पर काफी यूजफुल ऑप्शंस को ऐड किया गया है। क्विक टॉच का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। प्लस यहाँ पर एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर पावर बटन से रिकवरी एंड बूट लॉक के ऊपर बूट कर पाओगे। तो यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर आप रिकवरी एंड सिंपली जो है बूट लॉक पर बूट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर हॉटस्पॉट एंड वाईफाई एक साथ काम करेगा। यहाँ पर नाइट लाइट, एक्स्ट्रा डिम, डार्क मोड ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करता है। एंड यहाँ पर काफी स्मूथ एंड काफी स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिलेगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ। यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था इस रॉम के साथ। सबसे पहले बात कर लेते सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में। लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट हमने रन किया था, यहाँ पर मैक्स गया है 144, एवरेज है 137, मिनिमम है 119, 90% के आसपास सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक। तो यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के ऊपर काफी बढ़िया स्कोर देने को मिल गया है। नॉर्मली जो रेडमी नोट 7 डिवाइस है 140 के आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर जो स्कोर हमें देने को मिला है काफी बढ़िया है। अगर बात करें पर गीकबेंच 5 के बारे में, तो यहाँ पर 335 फॉर सिंगल कोर मल्टी कोर के साथ जो है 1459 का स्कोर है गीकबेंच 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 12 के साथ। नेक्सस कर्नल के साथ काफी बढ़िया स्कोर देने को मिल गया है। यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है, प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है। सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ काफी बढ़िया स्कोर देने को मिल गया है। नाउ उसके बाद बात कर लेते हैं कैमरा टेप आई के बारे में। तो यहाँ पर कैमरा टेप आई के ऊपर जो है Level 3 का सपोर्ट है। यहाँ पर जीकैम काम करते हैं, गूगल कैमरा यहाँ पर काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जीकैम गो भी काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है जीकैम गो काम करते हैं, पर पोर्ट्रेट मोड प्लस फोटोज वीडियो पोर्ट्रेट मोड फोटो वीडियो इस सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जीकैम गो भी काम करेगा, गूगल कैमरा भी काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर गूगल कैमरा काम करता है। एंड बाय डिफॉल्ट इस रॉम के साथ जो है ये जो ग्राफाइन ओएस का जो कैमरा एप्लीकेशन है इसे ऐड किया गया है। एंड ग्राफाइन ओएस का जो कैमरा एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये जो ग्राफाइन ओएस का जो कैमरा एप्लीकेशन है अवेलेबल है, यहाँ पर इस सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। नाउ उससे बात कर लेते हैं इस रॉम को किस तरह से
इंस्टॉल करना होगा रेविनोट 7 डिवाइस के ऊपर। कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डाटा, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पर जो है कस्टम रोम को इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर आप सिंपली TWR रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और पिच ब्लैक रिकवरी के साथ इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रोम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके रेविनोट 7 डिवाइस के ऊपर इस रोम को डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा, यहाँ पर इस रोम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, तो अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रोम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके इस रोम को डाउनलोड करो। कस्टम रिकवरी पर बूट करने से पहले सिंपली यहाँ पर जो है सीरीज में जाके ये जो स्किन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी पर बूट करने से पहले जो स्किन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है। तो सिंपली यहाँ पर जो स्किन लॉक और जो फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड स्किन लॉक को रिमूव करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो है कस्टम रिकवरी पर बूट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो स्किन लॉक एंड जो फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है। तो सिंपली आप जो है पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो है कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। तो सिंपली आप जो है कस्टम रिकवरी को बूट करते। तो यहाँ पर रेविनोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज करने वाले इस रोम को फ्लैश करने के लिए यहाँ पर TWR रिकवरी प्लस पिच ब्लैक रिकवरी के साथ आपको सेम स्टेप को फॉलो करना होगा। नाउ कस्टम रिकवरी को बूट करने के बाद आपको सबसे पहले जो है बैकअप में जाना होगा। करेंट रोम का बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। तो यहाँ पर बैकअप में जाके कारियन रोम का बैकअप क्रिएट करना होगा। उसके बाद सिंपली जो है वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद एडवांस वाइप में जाके डायल भी डेटा कैश है इंटरनल स्टोरेज प्लस वेंडर का जो ऑप्शन है सिलेक्ट मत करना। उसके बाद ये जो चार ऑप्शन है डायल भी डेटा कैश सिस्टम, ये चार ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिंपली स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर एडवांस वाइप करने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मेट डेटा भी कर सकते हो। फॉर्मेट डेटा में जाके ये टाइप करने से क्या होगा, जो इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा। सिंपली एडवांस वाइप होने के बाद जो यहाँ पर बैक आके इंस्टॉल में आके जिस भी फोल्डर के ऊपर अपने रोम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रोम को सिलेक्ट करके सिंपली जो है स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा। रोम इंस्टॉल होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रोम इंस्टॉल होने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर बैक आके रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। यहाँ पर ये जो रोम है दोस्तों इस रोम को बूट करने में यहाँ पर जो है फास्ट बूट में लगभग 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली रोम को सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हो रेविनोट 7 डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम करते हैं। एंड यहाँ पर जो यूजफुल कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर इस रोम का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलेगा इस रोम के साथ। यहाँ पर GCam भी काम करेगा, गूगल कैमरा गो भी काम करता है, कैमरा टू पे भी इनेबल है। प्लस यहाँ पर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है, रैम मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है। यहाँ पर काफी बढ़िया बैटरी बैकअप भी देने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।